हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी कोर्स डिटेल्स के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स, प्रोसेस और टेक्नोलॉजीज के थ्रू ऑर्गेनिज्म, सेल्स और बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी किया जाता है। इस फील्ड में उनका स्टडी करते हुए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम आपको बायोटेक्नोलॉजी के अलग अलग प्रकार के करियर पाथ के बारे में बताएंगे। हम आपको बायोटेक्नोलॉजी का रोल्स के बारे में बताएंगे एज ए बायोटेक्नोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और आपको क्या क्या रोल प्रोवाइड किया जाएगा, कौन कौन सी जॉब आपको मिल सकता है। इसके अलावा हम आपको बायोटेक्नोलॉजी में सफलता कैसे हासिल किया जाए कोर्स में उसके बारे में बताएं, तो स्टे ट्यून्ड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर आप प्लस टू अभी पीसीबी लेके पढ़ रहे हो और ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद आप सोच रहे हो कि कौन सी बायोसाइंस स्ट्रीम पे आप ग्रेजुएशन कर पाओ, देन बायोटेक्नोलॉजी इज अ वेरी प्रोफाउंड ऑप्शन। और ऐसा एक ऑप्शन है जो बहुत ज़्यादा सुनाई देता है, राइट? बायोटेक, 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 बायोटेक करते हैं लोग, बीटेक, बायोटेक, बीएससी बायोटेक। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रेजुएशन इन बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स क्या है, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट में रहेगा, कौन से सब्जेक्ट सब्सिडियरी में रहेगा, और आपको कैसे इसको पढ़ना है, कौन कौन सी टाइप की जॉब आपको मिल सकता है इसके बाद, और उसका सैलरी क्या है, सब सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएशन का कोर्स डिटेल्स। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एस्पेक्ट है डिस्क्रिप्शन, एस्पेक्ट और डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हम देखेंगे कि यह है बायोटेक्नोलॉजी डिग्री नेम बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। अभी हम देखेंगे ड्यूरेशन, बायोटेक्नोलॉजी 3 साल का प्रोग्राम होता है, ग्रेजुएशन का जो प्रोग्राम होता है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी वो 3 साल, जहाँ पे सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम आ चुका है तो 6 सेमेस्टर या फिर 3 साल। कुछ कुछ कॉलेज पे साल बेस्ड सिस्टम है 3 ईयर्स, कुछ कुछ जगह पे सेमेस्टर है, तो वहाँ पे 6 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर एवरी सिंगल ईयर। उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी देखो 10+2 एलिजिबिलिटी है, वहाँ पे 12वीं के बाद आपको जाना है, मगर आपको बायोलॉजी होना चाहिए, मतलब पीसीबी होना चाहिए। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे जो रहता है वो बायोटेक्नोलॉजी मेरिट बेस्ड होता है मेनली। मेरिट मतलब आपके प्लस टू में जितना मार्क्स आया है उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनता है। मेरिट लिस्ट बन के मान लो कि टॉप एक कॉलेज है वो पहले 25 स्टूडेंट को लेगा, तो पहले 25 स्टूडेंट्स वहाँ पे एनरोल कर जाएगा। अगर कोई 25 में से बाद में छोड़ता है तो जाके नेक्स्ट स्टूडेंट को अप्लाई और चांस मिलेगा। इस हिसाब से ये काउंसलिंग होकर ये प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कोर सब्जेक्ट। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी लेके पढ़ना चाहते हो, क्योंकि ये शायद आपने सुना होंगे बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी हर जगह, राइट? तो बायोटेक्नोलॉजी में जो कोर सब्जेक्ट है वो क्या होगा, वो आपके सेल बायोलॉजी रहेगा, जेनेटिक्स रहेगा, बायोकेमिस्ट्री रहेगा, माइक्रोबायोलॉजी रहेगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रहेगा, इम्यूनोलॉजी रहेगा, बायोस्टैटिस्टिक्स रहेगा, ये सारे चीज़ें आपके रहेगा एज अ कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट के अलावा जो सब्जेक्ट होता है इलेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब एक्चुअल कोर सब्जेक्ट के बावजूद भी बहुत सारे सब्जेक्ट सबको पढ़ना पड़ता है एक्सेसरी, वो रहेगा यहाँ पर एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी या फिर मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। देखो बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, बेसिकली ये बायोलॉजिकल वेलफेयर में एडवांसमेंट विथ टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम एडवांसमेंट करते हैं, ताकि हमारे जीने की जो मान है वो बढ़ सके, राइट? दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शुड बी इम्प्रूव। और इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी, द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोलॉजिकल साइंस बहुत जगह पे है। वो मेडिकली है तो उसको मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, वो एग्रीकल्चर फील्ड पे है प्लांट ग्रोथ क्रॉप यील्ड के लिए एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, वो इंडस्ट्री में होता है खाना, डेयरी इंडस्ट्री में होता है, लीकर इंडस्ट्री में होता है, तो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे अलग अलग नाम से आता है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होता है, देखो बायोटेक्नोलॉजी के बाद आप बायोटेक रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो। बायोटेक रिसर्च साइंटिस्ट ये पर्टिकुलरली तभी बन सकते हो जब आप बीएससी करोगे, ग्रेजुएशन, उसके बाद मास्टर्स, पीएचडी, सो लॉन्ग रन है। अपार्ट फ्रॉम दैट बायोटेक प्रोडक्ट मैनेजर, बायोटेक क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, बायोटेक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, बायोटेक पेटेंट लॉयर, बायोटेक एंटरप्रेन्योर, बायोटेक रेगुलेटरी अफेयर्स स्पेशलिस्ट, बायोटेक प्रोसेस डेवलपमेंट साइंटिस्ट। सो बहुत सारे पोजिशंस हैं। यहाँ पे ऐसा पोजीशन भी है जो कि लॉ पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी के बाद आपको लॉ पढ़ना है, जो कि बायोटेक पेटेंट लॉयर या फिर पेटेंट मैनेजमेंट को अलग से सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज देखो यहाँ पर बायोटेक क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट हो गया, प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो गया, जो आप एग्जैक्टली ग्रेजुएशन इन बायोटेक्नोलॉजी बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी के बाद ही आप कर सकते हो, पा सकते हो एज अ जॉब।
उसके बाद आते हैं एवरेज स्टार्टिंग सैलरी जो है वो देखो यहाँ पर लिखा है 3 लाख से 4 लाख रुपए पर साल। अब कुछ कुछ जगह पे थोड़ा कम भी होता है, 2-2.5 लाख रुपए से भी होता है, 2.5 लाख से 4-4.5 लाख रुपए। ये सैलरी वेरी करता है कि आप कौन से स्टेट में हो इंडिया की और कहाँ अप्लाई कर रहे हो, कौन कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, कौन सी कंपनी में। जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी कम पैसा देता है, लोगों को मानना होता है कि फार्मास्यूटिकल ज़्यादा देगा पर एक्चुअली वो कम देता है। वैसे ही अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग पैसा देता है। आपकी पोजीशन QC में है तो एक टाइप का सैलरी है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो तो अलग प्रकार के सैलरी है इस हिसाब से। अब टॉप इंस्टीट्यूट्स इंडिया में जहाँ से आप पढ़ सकते हो, IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेसिकली यहाँ पे BTech होता है, राइट। सो यहाँ पे IIT हो, देखो JNU में आप पढ़ सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हो। ISR दिखा हुआ है, सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के नाम दिया हुआ है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के नाम दिया हुआ है यहाँ पर, जहाँ पे जनरली लोग मास्टर्स या PhD के लिए ज़्यादा अप्लाई करते हैं बायोटेक फील्ड से, अगर वो ग्रेजुएशन पढ़ के जाए तो, या फिर BTech पढ़ सकते हैं, BTech बायोटेक्नोलॉजी। तो कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी BTech बायोटेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट हर कॉलेज में अवेलेबल है, अब वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात कर रहे हैं BSc बायोटेक्नोलॉजी, अब BTech के साथ BSc बायोटेक्नोलॉजी का क्या फ़र्क है उसके लिए अलग वीडियो है, आप अलग वीडियो देखिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिले। थैंक यू, बाय।